नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है फ्री बिजनेस हेल्प में आपका। दोस्तों आज आपके साथ हूँ सबसे बढ़िया और ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया के साथ, जिससे आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं, आपको स्टेबल काम मिलेगा। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है ग्राहक सेवा केंद्र पे। अभी ग्राहक सेवा केंद्र से सीधा हमारे दिमाग में आता है कि बैंक है कोई, उसकी हमें ब्रांच लेनी है और उसकी ब्रांच लेके हमें उसके साथ में काम करना है। लेकिन आज जो हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं, जो बिज़नेस आइडिया है, जो काम है, उसमें सिर्फ एक बैंक से नहीं, आप सभी बैंकों का ग्राहक सेवा केंद्र एक ही जगह पे ले सकते हैं। और अभी ऐसा कंसेप्ट आपको इंडिया में कहीं नहीं देखने को मिला होगा, यूट्यूब पे जहाँ पे भी आप सर्च करेंगे कहीं मिलेगा नहीं। तो इसलिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, कम से कम वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपका ये जो वीडियो है आपकी ज़िंदगी बदल देगा, क्योंकि इसमें इतनी कम इन्वेस्टमेंट में, पहली बात तो जब भी आप किसी बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र लेते हैं आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, बहुत सारे जो है इसमें आपको प्रोसीजर रहता है, आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है, आपका पीछे का 3 साल का वो सारा बैकग्राउंड चेक करते हैं तभी आपको ग्राहक सेवा केंद्र मिलता है। हर बैंक का अपना अपना सिस्टम होता है, लेकिन आज जिस सर्विस पे हम बात करने वाले हैं, सभी बैंकों का एक साथ में ग्राहक सेवा केंद्र, और कैसे खोलना है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, देखिए इतनी कम इन्वेस्टमेंट है कि उसमें आप सिर्फ एक किसी बैंक का भी नहीं ले पाएंगे, जबकि इतनी कम इन्वेस्टमेंट में आपको सभी बैंकों का एक साथ ग्राहक सेवा केंद्र मिल रहा है। और इसके साथ बहुत सारी और फैसिलिटीज़ भी मिल रही है। क्या क्या मिल रही है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, आज हम आए हुए हैं भानकुर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में, और इनका जो बैंकिंग क्षेत्र का काम रहता है, म्यूचुअल फंड्स का रहता है, इक्विटीज़ का रहता है, कमोडिटीज़ का रहता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उन सब पे हम कंपनी के जो ओनर हैं पुलकित जी से बात करेंगे। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलने वाली है, कितना आप बिज़नेस कमा सकते हैं और क्या क्या आपकी जो है इन्वेस्टमेंट रहेगी स्टार्टिंग की। इतनी कम इन्वेस्टमेंट दोस्तों किसी भी मेरे बिज़नेस आइडिया में नहीं है, और सबसे मुझे लगता है जितने मैंने बिज़नेस आइडियाज़ डाले हैं ये जो वीडियो है उनमें सबसे बहुत अच्छा होने वाला है। तो अभी हम दोस्तों शुरू करेंगे पुलकित जी का इंटरव्यू। और दोस्तों उससे पहले, अगर पहली बार हमारे चैनल का वीडियो देख रहे हैं, तो जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी नए नए बिज़नेस आइडिया, सरकारी योजनाएं आती हैं उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू और सर के पास चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या जो है भानकुर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लिमिटेड है वो आपको मिल रहा है, क्या क्या वहाँ से आपको मिल रहा है और कैसे आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम हैं भानकुर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में, और अभी हम बात करेंगे सर से। सर जो कंपनी के ओनर हैं, कंपनी के फाउंडर हैं, पुलकित जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। सर बताइए कि जो भानकुर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, BMP है, ये क्या है और किस सेक्टर में वर्क करती है, कैसे वर्क करती है? तो पहले तो नमस्कार साथियों आप सभी को। तो फर्स्ट लाइक आप अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने साथी का जो हमें इस चैनल पर आने का मौका दिया जी। तो जैसे कि मैं आपका इस बात को रखते हुए बताऊँगा कि ये हमारी फाइनेंशियली सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर डील करती है जी। जो हमारी भानकुर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है ये स्टॉक ब्रोकरिंग सर्विस के ऊपर डील करती है। ओके। और जो हमारी सेकंड फर्म है जो BMP निधि लिमिटेड के नाम से है। ओके। ये हमारी ऑल ओवर बैंकिंग फाइनेंशियली सर्विस पर वर्क करती है। ओके। जैसे लाइक दिस सेविंग अकाउंट्स, FDs, RDs और लोन, बैंक से रिलेटेड जो सुविधाएं होती है वो बैंकिंग की BMP में है, और जो भानकुर पोर्टफोलियो है वो शेयर मार्केट, हाँ वो शेयर मार्केट के ऊपर डील करती है। ओके। तो सर जो आपका कंसेप्ट, जैसा कि मैंने अभी जाना आपके सिस्टम में आके ऑफिस में मैंने पता किया, ग्राहक सेवा केंद्र का कोई कंसेप्ट चल रहा है और इससे जुड़कर लोगों को बेनिफिट आ रहा है, इसीलिए मैंने आपसे मीटिंग फिक्स की, आपसे मिले। तो सर ये बताइए कि सबसे पहले जो ग्राहक सेवा केंद्र है वो कैसे आप ओपन कर रहे हैं और क्या उसमें सुविधाएँ मिल रही हैं? जैसे कि ग्राहक सेवा केंद्र आज की डेट में आपको पता ही है ऑल ओवर बैंकों में कहीं पे भी जाएं तो अलग अलग ग्राहक सेवा केंद्र आपको देखने को मिलते हैं जी। स्थाई चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती है वहाँ पर, वहाँ पर हर किसी बैंक से एक पैनल आपको मिलता है जी। बट BMB निधि लिमिटेड के माध्यम से हम आपको एक ऐसा पैनल दे रहे हैं जिसके माध्यम से आप AEPS सिस्टम के माध्यम से आप किसी भी बैंक का पैसा विड्रॉल और
डिपॉजिट कर सकते हैं जी। तो और अनलिमिटेड लिमिट के साथ देते हैं हम, और जैसे वो लोअर बैंकों में आप करते हो तो वहाँ पर कुछ लिमिट के क्राइटेरिया होते हैं, बट हमारे यहाँ पे आपका कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा निकलवा सकते हैं, कितना भी निकालने की है 10,000 यानी 10,000 रुपये, और डालने की है अनलिमिटेड, किसने भी पैसा आप डाल सकते हो, वो उसकी कोई लिमिट नहीं है। सर ये बताइए कि जैसे ग्राहक सेवा केंद्र में बैंकों में नॉर्मली टाइमिंग रहती है जैसे 9 से 5 या 10 से 6 इस टाइप से टाइमिंग रहती है, तो क्या ग्राहक सेवा केंद्र की भी कोई टाइमिंग रहेगी या फिर 24 घंटे? वो हमारे जो ओनर रहेंगे ग्राहक सेवा केंद्र के, वो उनके ऊपर डिपेंडेबल रहता है कि वो अपने क्लाइंट के साथ कितना बिहेवियर अच्छा रखते हैं, वो चाहे उसको दिन में रात में 24 आवर्स उसको सुविधाएँ दे सकते हैं वो उसके लिए भी अफोर्डेबल रहेगा और क्लाइंट बेस भी उसका अच्छा खासा बढ़ेगा और इनकम उसकी ग्रोथ करेगी। ओके सर, बीएमबी से जैसे कोई कस्टमर हैं ग्राहक सेवा केंद्र पे आए, वो अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं, या ग्राहक सेवा केंद्र के जो ओनर हैं वो किसी का अकाउंट खोलते हैं, तो उनको कितने रुपये में स्टार्टिंग में उनका खाता खुलेगा? मिनिमम अगर आप देखेंगे ऑल ओवर बैंकों में आपके अकाउंट खुलते हैं 1,000+ से, 1,000, 2,000, 3,000, बट हमारे यहाँ पे आपका अकाउंट एक नॉर्मली अकाउंट खुलता है 280 रुपये। 280 रुपये जी। तो दोस्तों ये तो सरकारी बैंक में भी इतना कम में नहीं खुलता है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और सर 280 रुपये में मतलब ये फीस है या क्या है 280? नहीं, 280 रुपये क्लाइंट का ही रहता है और डिपॉजिट रहता है, उनके खाते में आ जाता है। हाँ, उनके अकाउंट में ही रहता है। 250 रुपीज़ की हम उनकी एक FD कर देते हैं जी, जो 5 साल के लिए रहेगी, जिसका 462 रुपये उनको 5 साल बाद रिफंड, लगभग डबल ही हो गया जी। तो 13.05 का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी, और सेविंग अकाउंट का हमारा 7.25 का है। 7.25 और दूसरे बैंकों में कितना रहता है? 3.25 मैक्सिमम 6% तक आपको देखने को मिलता है। ओके, मतलब सभी बैंकों से हमारा ज़्यादा ही है। हाँ, ज़्यादा रहेगा। वो इसलिए है क्योंकि आज के डेट में हम एक प्रॉपर विले में बैंकिंग में नहीं है, बट एक स्मॉल फाइनेंस बैंक पे काम कर रहे हैं जी। तो एक निधि लिमिटेड के एक्ट पे हम काम करते हैं, तो हमारे को बैंकों से 1% ज़्यादा देने की हमारे को अथॉरिटी है गवर्नमेंट से। ओके, तो इसलिए हम दे पाते हैं। सर जैसे कि कोई आपके साथ जुड़ रहे हैं, कोई कस्टमर हैं ग्राहक सेवा केंद्र लेना चाहते हैं, तो उनको कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट रहेगी? नॉर्मली स्पेस एक छोटी सी दुकान से भी वो स्टार्टअप कर सकते हैं। ओके, किसी अगर वो किरियाना की शॉप है उनकी, या कोई ऑलरेडी कोई CSE ऑपरेट कर रही है। अच्छा, मतलब ऐसा है जिसका पहले से बिजनेस चल रहा है, वो भी उसके साथ में ऐड कर सकते हैं, उसको कोई अलग से वो करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। ओनली हम हमारा सेटअप देते हैं फुली, उसके अंदर आपको सारा ब्रांडिंग मटेरियल, लाइसेंस वगैरह, और हाईटेक हमारा सॉफ्टवेयर रहता है, उसके साथ में आप उसको इंस्टेंटली वहाँ से ग्रो कर सकते, या फिर खुद की अलग से दुकान लेके प्रॉपर उसके लिए भी ग्राहक सेवा केंद्र बना सकते हैं, वो वहाँ से भी उसको ऑपरेट कर सकता है। अगर इंडिविजुअली रखता है तो इंडिविजुअली रखे, अगर कई एक वर्किंग से काम नहीं चल रहा है, कई बार इनकम को देखते हुए कि इनकम कम होती है ग्राहक सेवा केंद्रों में कई बार, तो वो दूसरे स्टार्टअप अगर साथ में है उसके, तो वो उनको भी रख सकता है। दोस्तों ये कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा सर का। देखिए कोई भी ऐसे कस्टमर हैं जो पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं और वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? पहले वाला जो बिजनेस है वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन जब आपने ग्राहक सेवा केंद्र खोला है तो वहाँ पे बैंकिंग के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, और वो आपका जो एग्जिस्टिंग पहले वाला बिजनेस है, जब लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है आपका जो पहले वाला बिजनेस है उसको भी ग्रोथ मिलेगी। अगर मान लीजिए आपके पास कम कस्टमर आ रहे हैं और आ रहे हैं, जितने ज़्यादा लोगों की विजिट होगी, आप ग्राहक सेवा केंद्र से तो कमा ही रहे हैं, अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को भी बड़ा कर सकते हैं। वो कैसे होगा कि जितने ज़्यादा लोग आएंगे वो कुछ ना कुछ खरीदारी भी करेंगे, आपका जो दूसरा बिजनेस है उसको भी कस्टमर ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। और दूसरा, अगर आप इंडिविजुअली कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ इसका कर रहे हैं ग्राहक सेवा केंद्र सभी बैंकों का एक जगह पर, तो उसमें भी आपको अच्छी इनकम आती है। सर अभी चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ कि कहाँ कहाँ पर खोल सकते हैं? ये ऑल ओवर हरियाणा बेस पे आप विलेजेस वगैरह में और शहर लेवल पे आप इसकी ब्रांचेज अभी ऑपरेट कर सकते हो जी, जिससे आप यहाँ पर हमारी सुविधाओं को दे सकते हैं। ओके, तो अभी हमारी करीबन 50+ हमारी केंद्र हमारे खुल चुके हैं। ओके, यहाँ पर अच्छा खासा बिजनेस रोट हो रहा है जी। तो अभी हमारा हर एक एक छोटे से छोटे गांव तक और छोटे से छोटे शहर तक हमारी बैंकिंग सुविधाओं को पहुँचाने का हमारा कार्य जारी है। ओके, तो सर जैसे जो कस्टमर हरियाणा से बाहर से हैं, क्या वो भी जुड़ सकते हैं, या उनके लिए कोई भविष्य का प्लान है किस तरह से, क्या है? हरियाणा से बाहर का हमारा अभी का प्लान नहीं बन पाया है,
क्योंकि अभी हमारे को गवर्नमेंट से अथॉरिटी नहीं मिली है। तो जैसे ही गवर्नमेंट से हमारी अथॉरिटीज मिलती है तो हरियाणा से बाहर के लिए भी हम अपनी शाखाओं को खोलना स्टार्ट करें। तो वो अपना सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं हमारे सिस्टम पे आने वाले टाइम पे, तो वो हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। तो हम उनको डायरेक्टली फिर बाद में कॉल कर लेंगे। ओके सर, प्रॉफिट कैसे मिलेगा? प्रॉफिट नॉर्मली बेसिक में आप कहीं पर भी बैंकों में सेविंग अकाउंट खुलाते हो जी, तो सेविंग अकाउंट खोलते हो तो उस बेस पे हम आपको कुछ इंसेंटिव देते हैं। 280 रुपीस का जो अकाउंट है उसके ऊपर हम कुछ इंसेंटिव देते हैं आपको। जितना आपके अकाउंट मेंटेन होते हैं उसके ऊपर हम आपको कुछ इंटरेस्ट कमीशन देते हैं जी। उसके बाद आप जितने भी हमारे अदर फीचर्स हैं, जैसे लोन करते हो आप हमारे या हमारी FDs RDs करते हो, तो उसके ऊपर भी हम आपको काफ़ी कमीशन अच्छे खासे देते हैं, जिसमें आपकी अच्छी खासी इनकम होती है। ओके उसके बाद में और भी आप हमारी काफ़ी सुविधाएं दे सकते हो। GST फिल कर सकते हो, पैन कार्ड बना सकते हो, स्टॉक ब्रोकरिंग की सर्विस दे सकते हो, वहाँ पर अच्छी खासी डीलिंग कर सकते हो, और वहाँ पर आप अपने और भी काफ़ी हमारी फैसिलिटीज हैं वो काफ़ी आप वहाँ पर दे सकते हो। मतलब सभी चीज़ों पे कमीशन मिलेगा, चाहे वो किसी कोई कस्टमर पैन कार्ड बनवाने आ गया, टैक्स भरने के लिए आ गया, GST भरने के लिए आ गया, ITR भरने के लिए आ गए, या किसी बैंक से ट्रांजैक्शन करने के लिए आएंगे तो उन ट्रांजैक्शंस पे भी उनको मिलेगा। हाँ, ट्रांजैक्शंस पे आप अभी काफ़ी कंपनी चल रही है मार्केट के अंदर जी जी, तो उन कंपनीज को देखते हुए वहाँ पर जो आपको पे आउट सिस्टम मिलता है वो काफ़ी कम होता है, बट अपने यहाँ पे उनसे काफ़ी ज़्यादा अर्निंग मिलती है। ओके ट्रांसफ़र पे चार्जेस आपको बहुत ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, BMB में ऐसा कोई भी चार्जेज नहीं है, नॉर्मली से चार्जेज हैं और उनसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो जी। बड़े बड़े बैंकिंग में आप देखोगे 25,000 मैक्सिमम लिमिट होती है पर डे ट्रांसफ़र की, बट हमारे वाले में नो लिमिट है। आपके पास अगर 1 करोड़ रुपये भी ट्रांसफ़र करना पड़ गया तो वो भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो हमारे यहाँ से। ओके सर, मेन चीज़ आती है इन्वेस्टमेंट, उनको कोई भी आपके जो कस्टमर है वो ग्राहक सेवा केंद्र खुद का खोलना चाहते हैं जी, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? मिनिमम हमारी 25,000 के आसपास हमारी अराउंडिंग जो इन्वेस्टमेंट आती है जी। इसके अंदर हम उनको ब्रांडिंग मटेरियल और हमारे लोगोज वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जिसमें लाइसेंस देते हैं और एक हाई टेक उनको सॉफ्टवेयर देते हैं जी। और भी हमारे काफ़ी मटेरियल रहते हैं जो ब्रांच की तरफ से मिलते हैं, तो ये हमारा उनके रहता है। ट्रेनिंग कैसे मिलती है सर? ट्रेनिंग हमारी ऑफलाइन भी रहती हैं, ऑनलाइन भी रहती हैं जी। तो दोनों प्रोसेस में हमारा कोई ऐसा ज़्यादा बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसके अंदर आप नॉर्मली बेसिक में हमारे स्टार्टअप को समझ सकते हो। बिल्कुल ही ईजी है और नॉर्मल बेस में कर सकते हो, यानी पब्लिक डीलिंग आराम से हो जाती है। सर ये बताइए, जो आपने 25,000 की फ़ीस बताई है जी, ये रिफंडेबल है या फिर सर्विस चार्ज है, क्या चीज़ है ये? ये नॉन रिफंडेबल रहेगी, ये हमारी फर्स्ट टाइम की सर्विस चार्ज रहेगी। वन टाइम चार्ज है, एक बार आपको स्टार्टिंग में कस्टमर को देना होगा। वन टाइम के बाद जो भी हमारे एडिशनल जो अदर फीचर्स रहेंगे उनके तो अदर चार्जेस लग भी सकते हैं आपके, बट ये वन टाइम रहेगा एक बार लेने के लिए। इसके अंदर हमारा जो सॉफ्टवेयर के खर्चेज हैं जो हम आपको बना के देते हैं उनके हम आपके लिए चार्ज करते हैं, और जो आपका लाइसेंस इश्यू होता है हम उसके लिए आपसे फीस। तो दोस्तों ये है कंसेप्ट, जहाँ तक मुझे लगता है बेस्ट कंसेप्ट मुझे लगा सर का, क्योंकि देखिए आपको घर बैठे या अपने एरिया में आपको काम करने का मौका मिल रहा है, अच्छी कमाई कर सकते हैं। बैंकिंग हर बंदे की ज़रूरत है, जिनके खाते नहीं खुले हुए हैं आप उनके नए खाते खोल सकते हैं, अपनी FD करवा सकते हैं वो लोग, और आपको हर चीज़ पे कमीशन मिलता है, बहुत अच्छी आप इनकम कर सकते हैं। सर की कॉन्टैक्ट की डिटेल्स हैं स्क्रीन पर दे रहा हूँ, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को टाइम देने के लिए। बहुत और दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा हमें फीडबैक दीजिए, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई दोस्त ऐसा है या आपके सर्कल में कोई ऐसा है जो ये बिजनेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक नीचे से सीधा शेयर करके उनको व्हाट्सअप कर दीजिए या फेसबुक पर जैसे भी आप उनको सेंड कर दीजिए, ताकि वो इसका प्रॉफिट उठा सकें और आप खुद के लिए भी ये बिज़नेस कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नए बिजनेस आइडिया नई सरकारी योजना के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।